इंटेलियोनिक्स के फाउंडर और डायरेक्टर शंकर मुर्मू को आसनसोल की सामाजिक सेवा संस्था नव्या फाउंडेशन ने प्रशस्ति पत्र देकर राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान से सम्मानित किया। नेशनल कोऑर्डिनेटर बबीता दास ने जानकारी देते हुए बताया कि नव्या फाउंडेशन द्वारा ये सम्मान पूरे भारत देश में शिक्षा, साहित्य, खेल, पत्रकारिता, समाज सेवा, कला और संस्कृति इत्यादि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं को प्रदान किया जाता है। शंकर मुर्मू द्वारा पिछले कई वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर नव्या फाउंडेशन के साइंटिफिक एडवाइजर निरंजन, अध्यक्ष योगेश चंद्र और नेशनल कोऑर्डिनेटर बबीता दास द्वारा इन्हें सम्मान दिया गया। कुसमाटाड़ बानटाड़ निवासी किसान दशरथ मुर्मू के पुत्र शंकर मुर्मू 2015 से ही नन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट के तहत गुड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, चंदनक्यारी, बोकारो, बलियापुर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। अभी तक इन्होंने 17,000 बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें 12,000 बच्चों का इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा चुके हैं। जामताड़ा में भी मैथ क्लिनिक सेंटर है। इसके पूर्व इन्हें 10 फरवरी को कोलकाता में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक रत्न से सम्मानित होने पर बलियापुर के लोगों में हर्ष का माहौल है। किसान दशरथ मुर्मू टूटे फूटे झोपड़ी में रहने को विवश हैं, आज भी खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। से आपको सम्मानित किया गया है, किस रूप में देख रहे हैं ग्रामीण बहुल क्षेत्र में रहते हुए? इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमें जो राष्ट्रीय ये हुआ है, ये है नव्या फाउंडेशन आसनसोल वेस्ट बंगाल की ओर से हमें राष्ट्रीय शिक्षक रत्न के रूप में सम्मानित मिला है। इसके लिए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा और हम इस पर जो संघर्ष, जो भी कठिनाई होगा वो सारा सामना करने के लिए हम तत्पर हैं और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है 2015 से ही कार्यरत है, जो इंटेलियोनिक्स के नाम से रजिस्टर्ड है। किन किन उपलब्धियों को देखते हुए यह सम्मान आपको दिया गया? हमारा मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ जोड़ना और उनको अच्छे शिक्षा के लिए प्रेरित करना। हाँ, इसी के तहत हमें इस सम्मान का मौका हमें दिया गया है। ये जो नव्या फाउंडेशन का जिक्र आ रहा है, ये किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है? ये पर्यावरण पे, खेलकूद पे, शिक्षा पे, बहुत सारे जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है, जो समाज को बेहतर बनाने का काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में इनका योगदान और उन्हीं लोगों को सम्मानित किया जाता है। जैसा कि देखा जा रहा है कि 17,000 बच्चों को आपने प्रशिक्षण दिया है, किस रूप में दिए हैं ये प्रशिक्षण और किन किन क्षेत्रों में दिए हैं? हमारा ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट के बलियापुर क्षेत्र से मैक्सिमम हमारा जो है ना जामताड़ा, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और हम लोग कुछ शुरुआत किए हैं चंदन क्यारी, बोकारो, इन सभी जगह में हम लोग गांव में जा करके गांव के लोगों को हम लोग प्रेरित करते हैं। एक गांव में 2 से 3 सेंटर डालते हैं, जिसके तहत हम लोग उन लोगों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। उपलब्धि है और आगे का उपलब्धि भी हम लोग उसके लिए तैयारी किए हुए हैं। किस रूप में तैयारी चल रही है सर? एजुकेशन के लेकर के क्या कुछ प्लानिंग की गई है उसके लिए? जी हाँ, हर गांव क्षेत्र में, छोटे गांव हो या बड़े गांव हो, गरीब बच्चे हो चाहे अमीर बच्चे हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमारे, हमको शिक्षा जगत को आगे बढ़ाना है। चूँकि 17,000 बच्चों का प्रशिक्षण का बात सामने आ रही है तो आर्थिक स्थिति तो नगण्य है, कैसे फिर पूरा होगी इतनी बड़ी? ये सर, हम लोग अभी हमारे मित्र शंकर मुर्मू जी जो कहें, एक टूथपेस्ट को लेकर के हम लोग उनको सेल भी कर रहे हैं, जिससे उनका प्रॉफिट जो आ रहा है उससे हम लोग सारा भरपाई कर रहे हैं। प्लस हमारे ग्रुप में जो भी हैं मित्र, उनका भी कुछ न कुछ सहयोग रह रहा है इस संस्था को बढ़ाने के लिए। समाज से भी या जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई मदद मिल रही है? नहीं सर, अभी तक तो कोई प्रतिनिधि से, ना ही जनप्रतिनिधि से, अभी तक समाज सेवी से हम लोगों को नहीं मिला है। केंद्र एवं राज्य सरकार की कई सारी योजनाएं चल रही है, क्या उधर से कोई उम्मीद है? अभी तक तो सर कुछ पता नहीं चला है, शायद आप लोगों के मीडिया के माध्यम से शायद उनके काम तक गूंजे तो कुछ हो। अपना परिचय दी। मैं फागू रवानी सुदामडी नीस वार्डी बस्ती से बिलोंग करता हूँ। किस पद पर है? सर चीफ कोऑर्डिनेटर।